अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ कैन यू गेट गुड CGPA इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अडॉप्ट करके जो है वो हम इजीली VU में जो है वो इजीली गुड CGPA सिक्योर की जा सकती है, ठीक है। उससे पहले आई विल शो यू माई रिजल्ट, जो रिसेंटली हमारा रिजल्ट आया। सो दिस इज़ माई रिजल्ट फॉर फाइनल टर्म्स। यहाँ पे हमारा सेमेस्टर था प्रीवियस जो गुजरा है अभी, स्प्रिंग 2023। सो बेसिकली ये मेरा रिज़ल्ट है। इसमें MGT का एक सब्जेक्ट था, उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो CS के थे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसका प्रैक्टिकल, दैन कंप्यूटर नेटवर्क्स उसका प्रैक्टिकल, DBMS उसका प्रैक्टिकल एंड देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसको बताने का क्या मकसद है, यहाँ पे हम फर्दर डिटेल में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें इन सब्जेक्ट्स की CGPA का जो है वो मैं आपको रेफरेंस दूँगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द होल वीडियो आई विल टेल यू के किस तरह से जो है वो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 4x4 सिक्योर कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो हम टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास हम हैंडआउट्स को डिस्कस करेंगे कि हैंडआउट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है थ्रू आउट योर सेमेस्टर, इन योर मिड टर्म्स, इन योर फाइनल टर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम सेमेस्टर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। इसमें आपके पास लाइक क्विजेज़ आ जाते हैं, उसके अलावा मिड टर्म्स तो बाद की बात है, क्विजेज़, GDBs और असाइनमेंट्स जो हैं वो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में काउंट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा मिड टर्म्स और फाइनल टर्म्स की प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करेंगे। एंड देन लास्ट में हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं या लैब्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको हमने कैसे कवर करना है, उसमें नॉन ग्रेडेड क्विजेज़ का क्या रोल है, ग्रेडेड क्विजेज़ का क्या करना है एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, राइट। सो सबसे पहले बात आ गई हैंडआउट्स की। अच्छा, हैंडआउट्स बेसिकली मैं हर सेमेस्टर में क्या करती हूँ कि जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट हुआ या मिड टर्म्स आने वाले हुए या क्विजेज़ का जैसे ही स्पेल स्टार्ट होता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि VU की बुक शॉप से या कहीं से भी अगर आपके पास अवेलेबल हैं, अरेंज हो सकते हैं, तो हैंडआउट्स को फिज़िकल फॉर्म में लाइक हार्ड कॉपी उनकी जो है वो आपने अपने पास जो है वो अवेलेबल करा लेनी है, ठीक है। यानी कि बुक शॉप से आपने हैंडआउट्स को ऑर्डर कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि लाइक राउंड द डे, थ्रू आउट द डे समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता कि हम बार बार जो है वो क्या करें कि पूरा दिन स्क्रीन के आगे लैपटॉप, कंप्यूटर या सेलफोन यूज़ करते रहें, तो उससे अटेंशन अक्सर डाइवर्ट हो जाती है, हम कोई और ऐप, कोई और डिस्ट्रैक्शन जो है वो उस तरफ चले जाते हैं। तो अगर आपके हाथ में बुक होगी तो क्या होगा कि जब जब भी आपके पास टाइम पॉसिबल होगा, यू कैन ओपन योर हैंड आउट्स एंड गो फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ गया मेक नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। अच्छा, अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे स्टैट्स, मैथ्स, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट अगर आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एक ही चैप्टर में या डिफरेंट चैप्टर्स में काफ़ी सारे फार्मूलाज और इस तरह की कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस वगैरह यूज़ हो रही हैं, तो हमने क्या करना है कि अगर कोई आपका क्विज है जिसकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से की है, या कोई असाइनमेंट आ गई दरम्यान में, या फिर पेपर से अगर 10 दिन पहले भी आपने तैयारी शुरू की है, तो उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि पॉइंट्स नोट करना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर आपने क्या करना है कि सिर्फ फॉर्मूलाज जो है उनको नोट कर लेना है और पेपर से हाफ आवर बिफोर जो है उनको रिवाइज कर लेना है। उसके अलावा कलेक्ट ऑल द मटेरियल बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट। इसका कहने का क्या मकसद है कि ये ना हो कि सुबह आपका पेपर है और रात को आप व्हाट्सएप ग्रुप्स जो यूनिवर्सिटी के हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई पास्ट पेपर्स दे दो, फाइल्स दे दो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इस तरह नहीं होना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि डेट शीट का लिंक ओपन हो गया, आपने डेट शीट बना ली, उसके बाद या व्हाट्सएप ग्रुप से अगर वो आपको ठीक लगता है, नहीं तो गूगल से, डिफरेंट वेबसाइट से आपको इजीली हर सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले से उनको एक फोल्डर में, एक जगह अपने मोबाइल में या लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें मेक श्योर करें कि आपके पास वो सारा मटेरियल हो, ताकि आखिरी टाइम पर जो आपका लास्ट मोमेंट चल रहा हो उसमें पेपर की तैयारी कर रहे हों, रादर देन कि हम उस वक्त यही कह रहे हों एक दूसरे को कि पास्ट पेपर्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है। तो आपने फाइल्स अपनी सारी जो है वो पहले से कलेक्ट करके रखनी है। नेक्स्ट आपके पास हाईलाइटेड हैंडआउट्स, अब डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जिनके हाईलाइटेड हैंडआउट्स अवेलेबल होते हैं। सो इफ़ यू आर अ जॉब होल्डर और अगर आपके पास टाइम इतना मैनेज नहीं होता पूरे पूरे हैंडआउट्स को स्टडी करने का, तो आपने क्या करना है कि हाईलाइटेड हैंडआउट्स को एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेमेस्टर एक्टिविटीज़ की। इसमें आपके पास क्विजेज, असाइनमेंट्स, GDBs और लैब क्विजेज आ रहे हैं। अच्छा, अब क्विजेज और असाइनमेंट्स की आमतौर पर ज़्यादा वेटेज होती है,
तो आपने कोशिश करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक सब्जेक्ट है जिसकी असाइनमेंट अपलोड हुई है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आपने जो है वो सबमिट करवाना है, तो डोंट गो फॉर द फैक्ट कि मैं यूट्यूब पे सर्च करूँ कि असाइनमेंट सॉल्यूशन और वहीं से आप थोड़ा सा चेंज करके कॉपी पेस्ट कर लें। ऐसा नहीं करना, आप पहले कोशिश करें, असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पर मैंशन होता है कि इसका क्या सिलेबस है, किन चैप्टर्स में से कवर हो रहा है, तो उन चैप्टर्स को ज़्यादा डिटेल की में अगर टाइम आपके पास पॉसिबल नहीं है या आपसे नहीं हो रहा मैनेज, तो एटलीस्ट उनका ओवरव्यू ले लें, उसमें जो भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार नज़र से गुजार लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं पेपर स्टार्ट होने से पहले कि हाँ थोड़ा बहुत तो हमें आता है सिलेबस का, ये नहीं कि हम बिल्कुल ही अननाउन है अपने सिलेबस से, ठीक है। इसी तरह GDBs की बहुत कम वेटेज होती है, लेकिन उसमें आमतौर पर एक पैराग्राफ या थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करना होता है, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। उसके अलावा क्विजेज आ गए। अच्छा, अब क्विजेज को हम मिड टर्म्स और फाइनल्स में सिक्योर अच्छे मार्क्स करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? जो ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ वो बेसिकली ये है कि आपने हर सब्जेक्ट के मोस्टली तीन या चार क्विजेज होते हैं, दो मिड से पहले और दो फाइनल से पहले, राइट? तो आपने ये ध्यान में रखना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्विजेज़ के आपके मार्क्स कम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्विजेज़ के भी तो एनुअल में काउंट होने हैं ना, तो जिस सब्जेक्ट के क्विजेज़ में कम मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मिड में और फाइनल में उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करें, ठीक है। इसी तरह लैब क्विजेज़ की बात करें तो लैब क्विजेज़ कुछ नॉन ग्रेडेड होते हैं और कुछ ग्रेडेड, राइट? अब जो आपके पास नॉन ग्रेडेड क्विजेज़ हैं वो आमतौर पर 5 या 10 मार्क्स के होते हैं, किसी सब्जेक्ट के 5 और किसी के 10, ठीक है। और इसी तरह जो ग्रेडेड होते हैं वो 10 मार्क्स के। लैब क्विजेज़ के लिए सिर्फ आपको 70% अटेंडेंस चाहिए होती है SH, और उनका ग्रेडिंग स्कीम में कोई नहीं होता। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका जो टू डू कैलेंडर होता है ड्यूरिंग द सेमेस्टर, आपको लग रहा है कि जो आपने एक दिन में जितने क्विजेज़ अटैम्प्ट करने हैं उसमें कुछ लैब क्विजेज़ हैं और किसी और सब्जेक्ट के ग्रेडेड क्विजेज़ हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप लैब क्विजेज़ को उस वक्त जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके पास ग्रेडेड क्विज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेटली जो है काउंट होने हैं आपकी फाइनल वेटेज में। लेकिन अगर आपके पास उस दिन के सिर्फ लैब क्विजेज़ ही हैं तो ये नहीं कि हम टाइम वेस्ट कर लें कि हाँ बस आज तो लैब क्विज़ है तो उसको SH करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू डू हैव द टाइम देन मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर द लैब क्विजेज़ एज वेल, लेकिन अगर नहीं है तो फिर लीव दैट फॉर द टाइम बींग। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास मिड टर्म्स आ गए। अच्छा, अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पास्ट पेपर्स में से उसकी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आती है, जैसे अब CS के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए आई विल सजेस्ट के पेपर से एक दो दिन पहले पास्ट पेपर्स या 1 घंटा पहले पास्ट पेपर्स को ज़रूर गो थ्रू कर लें। मोस्टली VU टॉपर की फाइल से आ रहे होते हैं या मुआज़ या वकार के जो पास्ट पेपर्स आपको पता होंगे। इसी तरह जो MGT के सब्जेक्ट हैं उनके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उनकी डेफिनेशंस को देखें। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट पेपर्स में से नहीं आता होता, 5% शायद आता हो, लेकिन वो भी आई विल से कि नहीं आता। तो MGT को की बुक्स ऐसे ज़्यादा इसके हैंड आउट्स जो होते हैं वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होते, बस उनको एक बार रीड कर लें, उनका कॉन्सेप्ट ले लें और यही काफ़ी होगा। इसी तरह जो इंग्लिश है उसमें क्रैमिंग नहीं कर सकते, हम रट्टा नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है वो ग्रामर बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें तो इट विल बी बेटर फॉर यू। इसी तरह मैथ्स का जो मैंने आपको बताया कि इसके कुछ एक थ्योरम है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका आपने क्या करना है कि उसको उसका जो मेन कहते हैं ना कि मेन उसका इसेंस जो है उसका जो मेन पॉइंट डिस्कस हो रहा है आपने जस्ट उसका क्लियर कर लेना है। इसी तरह इफ़ यू डू हैव द टाइम तो फिर मेक श्योर करें कि किसी पेन एंड पेपर के साथ जो है वो आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लें। क्यों? क्योंकि हैंड आउट से एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स 70% तक जो है वो नहीं आती, 30% क्वेश्चन हैंड आउट्स वाले रिपीट हो जाते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट्स के, लेकिन मोस्टली जो है वो सिर्फ फार्मूला वही होता है, लेकिन स्टेटमेंट और क्वेश्चन अक्सर ही चेंज होता है। उसके अलावा मिड टर्म एनालिसिस टू मेंटेन गुड CGPA। अब आपका जो मिड टर्म्स का रिजल्ट आएगा मिड टर्म्स के बाद उसको आपने कैसे एनालाइज करना है और उसकी फाइंडिंग्स को आपने कैसे यूज़ करना है फाइनल्स की प्रिपरेशन के लिए, वो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। जैसे देखें, ये मेरा था मिड टर्म्स का रिजल्ट, राइट? अब जब मेरा मिड टर्म्स का इस सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मैंने नोट किया और एनालाइज़ किया कि इसमें CS 504 यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था उसमें मेरे 78% मार्क्स हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में 96, 99, 94 और 96% थे, ठीक है। तो आपको ये शो करवाने का मकसद ये है कि मैंने नोट किया कि CS 504 में मुझे ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है, तो जो मेरा मिड टर्म के बाद वाला पोर्शन था फाइनल्स वाला उसमें मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस किया ताकि मेरी 4x4 CGPA जो वो मेंटेन रहे। तो कहने का मकसद है कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे इससे वेरी कर रहे होंगे, इससे डिफरेंट होंगे और आपके मार्क्स भी डिफरेंट होंगे डेफिनेटली मिड टर्म्स के। तो जो भी आपके मार्क्स हैं उसमें आपने ये ध्यान में रख लेना है मिड टर्म्स के रिजल्ट के बाद कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो मेरी फाइनल में CGPA लूज़ करवा सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं इन इन सब्जेक्ट्स में वीक हूँ तो आपने उन पर मज़ीद फोकस करना है, राइट?
अच्छा, आप फाइनल टर्म्स की बात करें तो इसमें हैंडआउट्स और रीडिंग मटेरियल, पास्ट पेपर्स, मैंने आपको बता दिया है। सीएस के मोस्टली सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पास्ट पेपर्स में से रिपीट होते हैं। मैथ की ऑब्जेक्टिव रिपीट हो जाती है और MGT बिल्कुल रिपीट नहीं होता। इंग्लिश होने को रिपीट हो सकता है लेकिन उसमें ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा होता है तो उसको ही स्ट्रॉन्ग करें। उसके अलावा स्टार्ट राइट आफ्टर द मिड टर्म्स। अब ये नहीं सोचना कि मिड टर्म्स हो गए हैं तो मैं अब थोड़ा चिल कर लूँ, रिलैक्स कर लूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि मिड टर्म्स के बाद आपके पास मुश्किल से बहुत कम टाइम होता है फाइनल्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, 1 मंथ और आई थिंक उससे कुछ दिन ऊपर होते हैं। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना कि अब मिड टर्म्स के बाद हमने रिलैक्स करना है, नहीं। आपने फाइनल्स की, क्योंकि होती भी वेटेज ज़्यादा है और डेफिनेटली उसका पोर्शन ज़्यादा होता है, सिलेबस भी उसका, लाइक आपके पास 19 से ऑनवर्ड्स 45 तक मोस्टली चैप्टर्स होते हैं या मॉड्यूल्स लगा लें, तो उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह जो ये मैंने मिड टर्म एनालिसिस वाली बात की कि आपके उन सब्जेक्ट्स पे आपने फोकस करना है जिसमें आपको लगता है कि आपने लो स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो और आखिर में आपने दवा के साथ जो है वो दुआ भी करनी है, तो इंशाल्लाह आपका ओवरऑल CGPA जो है वो अच्छा मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो बस यही इसके मेन पॉइंट्स हैं और यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आई स्कोर 4x4 CGPA। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू, खुदा हाफिज़।